चलें गांव की ओर यानी बैक टू विलेज। 3 के दूसरे मरहले में आज रियासत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार के शर्मा ने आज खुद बलाक असर जिला डोडा का दौरा किया। उन्होंने बैक टू विलेज प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद आफिसरान और लोगों से मुलाकात करके मुख्तलिफ स्कीमों के तहत जारी कामकाज का भी जायजा लिया। उनने लोगों के मसाइल सुने और लोगों ने यह शिकायत भी की कि गुज़श्ता 2 बार किए जाने वाले वादे हुनू शर्मिंदा ताबीर न हुए। गवर्नर के सलाहकार ने उनको यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। मिल नहीं जाती है एक दिन, ये कोई मुकद्दर का खेल होना चाहिए। जब मिसाल दी जाए जम्मू कश्मीर के ज्योग्राफी के बारे में, हमारे एरिया की स्ट्रेंथ के बारे में, तो मैं हमेशा डोडा किश्तवाड़ का नाम जरूर मेंशन करता हूँ। में कमियां भी नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है। जिस तरीके से पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना प्लान बन रहा है। आज का विजिट ब्लॉक में बैक टू विलेज 3 के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा आपको मालूम है कि इस बार का बैक टू विलेज 3 जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने लगाया है, ये पहले वालों से अलग है। इसमें 20 दिन के लिए जितनी भी सरकार की बेनिफिशियल स्कीम थी, पहले उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई ताकि जनता को पता चले कि उनके हक क्या हैं अपने बेनिफिट को लेने के लिए, और कर्मचारियों को भी ये पता चले कि टाइम बाउंड तरीके से 1 दिन में 2 दिन में कैसे उनके सर्टिफिकेट उनको देने हैं। सरकार की तरफ से हमारे माननीय उपराज्यपाल जी, सारे एडवाइजरगण, सीनियर सेक्रेटरीज, वो सभी पंचायतों में जा रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ जा रहे हैं इसलिए ताकि हमें इसका स्टेटस पता चले। हमारे जो एक गेस्टेड ऑफिसर सीनियर हैं वो हर एक पंचायत में आए हुए हैं। अब फेज 2 उसका स्टार्ट हो गया है और वो 2 दिन और 3 रातें यहाँ पर पंचायत में रहेंगे। अभी तक जो यहाँ डोडा में आके पता चला है, एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लोगों को जो जो उनकी बेनिफिशियरी स्कीम से रिलेटेड बेनिफिट हैं वो मिल रहे हैं। जो डेवलपमेंट वर्क्स पंचायतों को जो फंड्स सरकार ने डिवॉल्व किए हैं, चाहे वो 14 फाइनेंस कमीशन के हैं या डिस्ट्रिक्ट प्लान के हैं या जो स्टेट स्कीमें पंचायत लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उन कामों को पूरा करना वो भी एक इस मुहिम का पार्ट है। आज ही हमने मैंने देखा यहाँ पर असल ब्लॉक में कि यहाँ पर पंचायत लेवल के